तो मतलब अब देखे ना, मतलब युग जो है इतना एडवांस हो चुका है, तो वो अगर शुरुआत के समय पर भी अगर वो प्लेन पे ले जाएंगे, नहीं पाएगा, कर पाएगा वो क्यों प्लेन पे प्रोग्राम क्यों? आया वो समझ नहीं पाएगा, उसको माइंड में आएगा नहीं सब चीज, अच्छा, अंधेरा थॉट हो, प्रोसेस अंधेरा जो हुआ है। होगा, तूफान चलता होगा, बारिश जोर से होता होगा, ओके 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 ओके, तो मतलब कैसे जाके कौन सर्च करेगा वो क्या नहीं है, क्या क्लाइमेटिक, नहीं वो है। क्लाइमेट कंडीशन इतना सुटेबल नहीं होगा जब हाँ वो एरोप्लेन फ्लाई कर पाए। बस बस बस, ओके ओके, तो नेगेटिव जब सर्च करेंगे प्लेन में आके, तो कहते हैं वो दबाव उधर ही पड़ा है, लेकिन हवा नहीं है उसमें, वो फाइन, देख देखे देखेगा छतिया पड़ा है, सब छतिया प्रभु है, उधर उधर पूजा पूजा चलता है, भक्त का घर उधर है, बहुत भक्त जमा हुआ है उधर, हजारों की संख्या लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त जो है एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा यही है, यही है, ठीक तो है। नेट आके वो अटैक करेगा उसको, जैसे पूरी का अटैक किया था हाँ, ऐसे अटैक करेगा। अच्छा फिर क्या होगा? फिर अटैक करने से बहुत भक्त मर जाएंगे वहाँ, बहुत सा भक्त मर जाएंगे। 7th डे को रात को वो चाहेगा उसको हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए, अच्छा लेकिन उसके लेने के पहले बलभद्र और जगन्नाथ जी जो मनुष्य शरीर में होंगे वो उसको लेके चले जाएंगे, ओके 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 ओके, प्रतिमा को लेके चले जाएंगे, चल जाएंगे कहाँ जाएंगे? कहिवा किंदरे को से। हाँ बोलिए, हो बोले बोलिए, हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, हाँ क्यों नहीं बोलेंगे, दर्शक वो हमारे जानना जो चाहते लेके हैं। जाएंगे, लेकिन नेमाल के पास एक है देवनासन बट, देवनासन बट, अच्छा नेमाल के पास देवनासन बट है, फेमस है वो, इसे बहुत सा बट है उड़ीसा में, फेमस है, पूजा होता है उधर। वो देवनासन बट के पास ये रुकेंगे और वहाँ 21 दिन रहेंगे प्रभु, 21 डेज, 21 दिन वहाँ पे वो 21 डेज स्टे रहेंगे करेंगे, रुकेंगे। लेकिन छुप छुप के, इसको मालूम नहीं पड़ेगा वहाँ रुके हैं वो। देवदर्शन बट के जगह है वो, उधर कहाँ है उसका, जस्ट वही रहेंगे या उसके आसपास रहेंगे, लेकिन एरिया दिया है वही बट के आसपास प्रभु रहेंगे। नहीं देवनासन बट में देखा हूँ मैं, वहाँ पे हम गए थे। हाँ, तो वहाँ से फिर बाद में प्रभु उसको लेके चले जाएंगे उदय बट को, पार्वती के पास लेके जाएंगे, तो उसके बाद जो होगा आई मैं बोल नहीं पाएगा, लेकिन मेरे मुंह में आएगा नहीं वो बात, जो इतना ही है वो बाली को लीला, इतना ही समझ लीजिए कि ये जो लीला चलता है अभी पूरी में, जगन्नाथ जी है, मंदिर है, पूजा होता है, रथ यात्रा होता है, ऐसा हुए ये खत्म हो जाएगा, अच्छा सब दिन के लिए ये और नहीं हमेशा के लिए होगा, खत्म हो जाएगा ये खत्म, वो ये जगन्नाथ धाम भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसके बाद और 2 बार समुंदर आएगा, सेकेंड टाइम आएंगे समुद्र आएंगे, फिर उसको रत्न सिंहासन को डुबा देंगे, मतलब समुद्र, मतलब आप सुनामी की बात कर रहे हैं? हाँ सुनामी, सुनामी आएगा, तो सुनामी अच्छा, जैसा है हाँ ना, समुद्र के पानी जो है रत्न सिंहासन तक आ जाएगा। हाँ अच्छा, फर्स्ट टाइम 22 पास जो पर्वत है 22 सीढ़ी उसको जो डुबा है दिया, वहां तक आएगा, सेकेंड टाइम रत्न सिंहासन को डुबाएगा, थर्ड टाइम जो आएगा मंदिर को डुबा देगा, मंदिर को डुबा देगा, मंदिर डुबा देगा, मंदिर बहुत ऊंचाई पर है। हाँ है, 300 फुट हाइट पे आएगा पानी भैया, 300 फीट मंदिर डुबा देगा, इवन दैट वाटर विल कम अप टू खंडगिरी ऑफ भुवनेश्वर, खंडगिरी भुवनेश्वर, यस खंडगिरी भुवनेश्वर तो बहुत ऊंचाई पर है, वहां तक पानी तक आएगा, खंडगिरी खंडगिरी को पानी लगेगा, समुद्र का पानी। अच्छा ये तब की बात तो नहीं है, जैसे कि मालिका में लिखा है उड़ीसा में एक जो बहुत बड़ा डैम है उसका नाम है हीराकुद डैम, वो भी मालिका में लिखा है कि वो भी टूटेगा, उसको टूटेगा, उसको कोई मतलब बम ब्लास्ट, टूटेगा नहीं उसको तोड़ देंगे, तोड़ दिया जाएगा। अच्छा तो हो सकता है कि उसका भी पानी आ जाएगा? नहीं, उसका पानी नहीं आएगा, आप बोले समंदर ये टाइम वो नहीं है। अच्छा ये टाइम वो सेकंड टाइम जो होगा उस टाइम अच्छा, होगा, अच्छा मध्य प्रांत में जो मध्य काल में होगा उसकी बात आप कर रहे हैं, तो वहां पे जो है वो हीराकुद बांध जो टूटेगा। अच्छा तो आप अंतिम जो है मतलब मध्य प्रांत मध्य 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 प्रांत जो प्रांत प्रांत समय के मतलब अंतिम समय के जो शहर है 300 फीट हाइट का आएगा। अच्छा, वो डूबा देगा सब। जी, ओके, और उसी टाइम में डूबेगा आपका द्वारका और रामेश्वरम। अच्छा बाकी जो 4 धाम है, एक तीन धाम उसमें स्वयं डूब जाएगा। अच्छा 4 धाम से 3 धाम, इसका मतलब है कि एक तो हो गया आपका द्वारकानाथ धाम और
जगन्नाथ धाम, उसके बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम धाम जो है, तीन धाम जो है वो डूब जाएगा, और बाकी एक जो बचेगा आपका बद्रीनाथ धाम, वो तो पहले जाएगा, तो पहले जाएगा वो, तीनों का पहले जाएगा, इसका टाइम बहुत निकट हो गया, लेकिन वो समंदर के पानी में नहीं डूबेगा, उत्तरासी डूबेगा जो है। अच्छा अच्छा, तो ये रहा बात। ये जो बात जो बोल रहे हैं कि मतलब इसे बालिका में लिखा गया है, लिखा है मालिका में जो किताब है उसका प्रमाण है, प्रमाण है आपका पुस्तक में इसका भरपूर प्रमाण है। किसके किसके बारे में बोलते हैं? ये जो आपने बोल दिया जो छतियावर्ष से लेके पूरी से अभी तक दिया ना आपको, छतियावर्ष तक प्रमाण पे, अच्छा बिल्कुल प्रमाणिक तक साथ है ये। उसके बाद कहाँ जाएगा वो भी लिखा है। जो नौजवान भाई हमारे देख रहे हैं वीडियो, वो शायद उसको कहानी मान लगे, वो जो उसके बाद छतिया से तो जाएंगे वो भी लिखा है ना, वही वही किताब में। अच्छा, दागरगंड छक्की रही थो राजा, राजा मिन्सी रसिया, रसिया को राजा बोलता है अभी इसमें। छक्की रही थो राजा दिय नवापाई सुन्य रथ आणिकी डिकरे रखाई जबर मन पांच दारू जोगे कष्ट चारिखानी लोक एठी हेउछंती मेंट सबु भेदमान परा याकु एहा जोगु जणा दारू एथु नेइगले मेंट भांगे सिना एमंत मन विचारी जबन राजन उपाय नाश करियो प्रभु दार ब्रह्म। क्या इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बहुत मुस्लिम ये सोल्जर्स मुस्लिम जो आए थे वो रशिया चाइना सब मिलके ये सोचेंगे कि ये दारू ब्रह्म के लिए सब मिला चलता है, इधर लोग इतने एकजुट होते हैं तो उसको ये सब सबका मूल है यही, तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो उसको लेके लेने के लिए चाहेगा, चाहेगा वो लेके चला जाएगा, उसको खत्म कर देगा, लेकिन होगा क्या? सुने जाना घनी आसीबे गुपते कहीं न पाए अंत दारू ब्रह्म मूर्ति धरी घनी जीवे गुपत्र जगन्नाथ निमाण बठर निकट से पुणी प्रवेश हे हल पाणी जान न चल फोपड़ाई देवे कलंकी आरंभ पुणी बार हाथ खंडा धरी बिनी भाई बाहर होइबे पुण महागर युद्ध होइब सेठे लोक हे रण भीम भी लिखी पद्मकल्पदेव पद्मकल्प मालिका जी। मालिका का जो किताब है उसका नाम है पद्मकल्प मालिका, और इसमें जो लिखे हैं वो संत भीम भोई ने लिखे हैं। तो ये बोलते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी जो नर्सरी में होंगे वो एक हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे तीन मूर्ति को। अच्छा 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 अच्छा, नेपाल के पास में वो खराब हो जाएगा जी, तो वहाँ बलदेव जी भी तो नर्सरी में है, वहाँ होंगे वो माल में वहीं होगा काम होगा वहीं, तो दोनों मिलके उसको ले जाएंगे आपका दान ये देवनासन भट के पास, वहाँ वो 21 दिन रहेंगे 21 डेज। अच्छा अच्छा, ये सब लिखा है पर बिल्कुल सही बात है। पहले जो उड़िया में सर ने बोले थे वो ग्रंथ का नाम है आगत भविष्य मालिका, इसके बाद उन्होंने जो बोले थे उसका नाम था, उस ग्रंथ का नाम है 13 जन्म शरण, श्री अच्युतानंद जी का लिखी हुई ये ग्रंथ है, उसका नाम है 13 जन्म शरण। श्री अच्युत संत श्री अच्युतानंद दास ने अपने जीवन काल में 185,000 ग्रंथ की रचना किए हैं, और उनके सबसे लास्ट जो आखिरी में जो किताब लिखे हैं उसका नाम है 13 जन्म शरण। फिर अभी जो शून्य यान उसके बारे में जो सर बोल रहे थे वो किताब का नाम है पद्मकल्प, और लिखे हैं संत भीम भोई ने। तो फिर इसका आगे भी कुछ है? आगे भी है कुछ जिसको मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, करना उचित भी नहीं होगा। क्यों? मतलब इसमें क्या ऐसा है? मतलब है क्या कि जो लोग प्रभु को जगन्नाथ जी को अपना जीवन मानते हैं भक्त लोग उनको बहुत कष्ट होगा। अच्छा, ऐसा ऐसा कथा आ गया है, कुछ है ऐसा कुछ है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। ऐसा इतने जानिए कि जगन्नाथ धाम का जो लीला चलता है अभी उसका और नहीं होगा, खत्म। अरे बाप रे, आपने बिल्कुल डरा दिए हमारे। धाम नहीं रहेगा तो लीला कैसा होगा? हाँ, ये बात भी है। धाम डूब जाएगा पानी में, डूब जाएगा पानी में। जैसे कि आप बोले थे खाली जगन्नाथ धाम ही नहीं, बाकी जो तीन धाम है वो भी सब
सब धाम में खत्म। अच्छा, सब एक ही साथ होगा? नहीं, तीनों धाम में इसका आपको बद्रिका धाम पहले होगा। पहले होगा। अच्छा, सत्यजु का धाम है वो, तो वो पहले जाएगा। फिर ये तीनों धाम आगे पीछे होकर चल जाएंगे। अच्छा, तो टेंटेटिवली बता पाएंगे मतलब लगभग कितने साल बाद? सब विद इन 2030 के अंदर, 2030 के अंदर। नजदीक है तो 5-6 साल। बहुत नजदीक है, 6 साल ये नजदीक। बहुत, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता, क्या करे? अच्छा, है हम अभी जैसे जीते हैं, ये रहे हैं, ऐसा ही रहेंगे, ऐसा ही मौज करते रहेंगे। करो भैया मौज, कितना करना है। लेकिन जो कॉन्शियस है, जो भक्त लोग हैं तो उनको डरने का कोई कारण है? वो लोग प्रभु के शरण में रहेंगे। अच्छा, उनको डरने का कोई वजह नहीं है? कुछ नहीं होगा, जो प्रभु के शरण में रहेगा उसका कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। प्रभु अपने जो भक्त उसका शरण में है, उसका हरता है, वक्त रक्षा करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। कोई कुछ को नहीं कर सकता उसका। बिल्कुल, देवीगण को जो आदेश दिया है पापी जल को खाने के लिए, वो भी भक्त जल को टच नहीं करेंगे। इस किसलिए कैसे पहचानेंगे वो देवी लोग कौन सा भक्त है? अब हर भक्त का शरीर में प्रभु का जो चिन्ह है, शरीर का अपना चिन्ह है, एक या दो रहता है, रहेगा जो हाथ में या पाँव में। अच्छा अच्छा, या मुंह में, कहाँ ना कहाँ कुछ होगा, मतलब उसको आप अंश अवतार कहते हैं ना। हाँ, वो देख के देवीगण जान ये मालूम कर देंगे ये भक्त है प्रभु का, उसको टच मत करो। अच्छा, उसको कोई टच कर लिया तो देवीगण उनके लिए पनिशमेंट है। अच्छा, उनके लिए पनिशमेंट? हाँ, श्योर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिल नो टच। आप लोग का अनुरोध है आज से, अभी से आप प्रभु के शरण में रहिए, विश्वास करिए, मालिका को विश्वास करिए। जो पंचायत लिखा है झूठ नहीं है, जितना लिखे थे अभी तक के वो हो गया ऑलरेडी, ठीक टाइम निघंट में हो गया। जो अब बाकी जो होने का है उसके बाद जो लिखे वो भी घटेगा, जब वो हो गया तो एक नहीं होगा। तो उसका भी विश्वास करिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करके रहिए। अपना जो रीति जिंदगी का उसको सुधारिए, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। चाहे वो मुस्लिम सैन्य हो, चाहे चाइना सैन्य हो, चाहे रशिया सैन्य हो, चाहे प्रलय हो, कुछ भी हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतना करके आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी तारीफ़ किया जाए सच में बहुत ही कम। जो हमारे हिंदी दर्शक थे उनका बिल्कुल रिक्वेस्ट था कि आप पुलिन पंडा जी से आप मिलिए और उनसे हम कुछ सुनना चाहते हैं मालिका के बारे में। तो आपका फिर एक बार हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को। एक ही बात पुलिन बिहारी पंडा जी इस वीडियो के माध्यम में संदेश पहुंचाना चाह रहे थे, जो भक्त हैं वो सही सलामत रहेंगे, उनका कुछ भी नहीं होगा। उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं आएंगे और उनका कुछ भी नहीं होगा। बस एक ही बात है, भगवान को और भरोसा रखिए। ये सब चीज़ें जो भी आप सुन रहे थे मालिका में लिखा गया है, ये सब हम आपको भयभीत करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जबकि मालिका में जो लिखा गया है वो जन जन तक कैसे पहुंचे उसका एक माध्यम बन के हम काम कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना मत दीजिए, और श्री पुलिन पंडा जी से और क्या क्या आप सुनना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे पुलिन बिहारी पंडा जी से बात करके उस चीज़ को आप तक पहुँचाएँगे। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।